120 बच्चे ऐसे हैं जिनके मां अकेली बच्चों की परवरिश कर रही है, उनकी कफालत भी अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहा है। फ्री तालीम। फिर 150 ऐसे बच्चे हैं जिनके मां या बाप में से किसी को कैंसर हो चुका है, किसी को डायलिसिस पे गुर्दे खराब हुए हैं, तो वैसे लोगों के 150 बच्चे भी हैं। हरी 1000 बच्चे ऐसे हैं, यतीम, सिंगल मदर, डिवोर्सी मदर, या फिर सीरियस इलनेस वाले। अरे एक स्कूल तो सिर्फ यतीमों के लिए है और अभी काम रुका नहीं है। दरवाजे हिंदू के लिए भी खुले हैं, सिख के लिए भी खुले हैं, ईसाई के लिए भी खुले हैं, पारसी के लिए भी खुले हैं, जैन के लिए भी खुले हैं, बुद्ध मत के लिए भी खुले हैं, एससी के लिए भी खुले हैं, एसटी के लिए भी खुले हैं, बीसीस के लिए भी खुले हैं, सब के लिए खुले हैं। अरे मजलिस पे इल्जाम लगाने वाला, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे आहा, तुम्हारे अम्मा क्या ऐसा ऐसी बड़ी एक भी इमारत बनाए? क्या किसी गांधी ने बनाया, किसी मोदी ने बनाया, किसी रेड्डी ने बनाया, किसी राम ने बनाया? नहीं बनाया। ओएसी ने ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें 14 बना दी, यहां पे 15 हजार मुस्लिम बच्चे और बच्चियां फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। और हम पर इल्जाम, ओएसी यहां से आए, ओएसी वहां से आए, वो महाराष्ट्र से आए। अरे बाबा मत छेड़ो मुझे, मत छेड़ो मुझे, ऐ कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? अब मुझे छेड़ो मत। दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है, करबला ओवैसी की आतिशनवाही के सामने कोई टिक नहीं सकता।